आते हैं हम लोग, दो दो घंटे का रास्ता है डुबरी से, और वो चला गया। और कहते हैं कि इंसान जो है जितनी भी कठिन परिस्थितियां हो कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लेता है। पूरा एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, करीब 500 से 700-800 की आबादी है, और आज हमने 446 लोग देखे, यानी कि समझ लीजिए 75% गांव के लोग बीमार थे। 150 बच्चों को मैंने देखा, कई को लीवर डिजीज हेपेटाइटिस हो रहा था, और कुछ उनको कोई दवा की मतलब सुविधा नहीं थी। बहुत से बच्चों को स्केबीज था, कई को अस्थमा था, रिकेट्स हो गया। कहते हैं धूप से जो है वो विटामिन डी मिलता है, लेकिन ऐसे बच्चों को भी रिकेट्स हो गया और जेनेटिक्स होगा। इसके अलावा बहुत से बच्चे कुपोषण के शिकार थे। एक बच्चा तो इतना सिक था कि उसको फौरन रिफर किया गया किसी तरह से डुबरी पहुंचाया जाए। हमारे साथ डॉक्टर चंदन और मेडिकल सर्विसेज सेंटर की सारी टीम थी, और हम लोग कल फकीरगंज और उसके बाद लगाकाटा में कैंप करेंगे, और अगर परमिशन असम सरकार से मिलती रही तो ये कैंप कुछ दिन और एक्सटेंड होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, कभी जो है मतलब कैंप करने के बाद, कैंप तो जब कर रहा था तो बहुत अफसोस हो रहा था कि आज भी है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब कभी आज तक बैठा नहीं मैं इस तरह से, और इंजॉय कर रहा हूँ, सीरियसली मजा आ रहा है। अगर शायद फैमिली के साथ होता तो आज सीरियसली मजा आ रहा है। अपनी बीवी बच्चों भाई बहनों के साथ आते हम लोग, कभी आएंगे, वादा करते हैं कभी आएंगे।